नमस्कार दोस्तों, न्यू एग्जाम में आपका स्वागत है। एसएससी जीडी का आपने अगर पेपर दिया है तो उसकी आंसर की जारी कर दी गई है। ऑफिशियल वेबसाइट पर ssc.nic.in पर जारी हो चुकी है और वो मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो के अंदर कि किस तरह से आप स्टेप बाय स्टेप चेक कर सकते हैं। सबसे पहले आपको गूगल में जाना है और गूगल में आपको एसएससी टाइप करना है। एसएससी इतना टाइप करके आपको सीधे सर्च कर देना है, बाकी कुछ नहीं लिखना। आपको आपको यहाँ पर परिणाम मिलेंगे, उसमें आपको यहाँ पर ध्यान से देखना है। यहाँ पर आपको हो सकता है फर्स्ट परिणाम पर यह वेबसाइट दिखाई दे ऑफिशियल, हो सकता है सेकंड पर दिखाई दे। तो यहाँ पर आपको होम स्टाफ सिलेक्शन कम्युनिकेशन दिखाई दे रहा है और इसके नीचे आप यहाँ पर जो मैं हाईलाइट कर रहा हूँ वो देखिए ssc.nic.in पर आपको क्लिक करना है। जैसे ही यहाँ पर क्लिक करेंगे तो जो ऑफिशियल वेबसाइट है वो खुल जाएगी। और दोस्तों, मैं आपको बता देना चाहता हूँ, अगर आपने SSC GD का एग्ज़ाम दिया है तो आपके लिए बड़ी खुशखबरी है, क्योंकि इसमें आपका सिलेक्शन पक्का हो सकता है। इसमें कट ऑफ कम जाने के बहुत ज़्यादा चांस है, उसके कई कारण हैं, वो मैं अगले वीडियो के अंदर आपको बताऊँगा। और यहाँ पर थोड़ा नेटवर्क प्रॉब्लम है, चलिए मैं सही कर लेता हूँ इसे। और जो कई बार नेटवर्क में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ जाती है, वेबसाइट भी बिजी हो जाती है। जब कोई आंसर की या परिणाम जारी होते हैं तो वेबसाइट थोड़ी बिजी चलने लगती है। और चलिए, वेबसाइट ओपन हो रही है। और दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हैं न्यू एग्जाम पर, तो ज़रूर सब्सक्राइब करना ताकि आपको हर अपडेट सबसे पहले मिल सके। और यहाँ पर दोस्तों, कुछ मैं वेबसाइट के बारे में भी आपको बता देता हूँ। यहाँ पर आपको लेटेस्ट न्यूज़ दिखाई दे रहा है, यहाँ पर जो भी लेटेस्ट न्यूज़ आती है वो यहीं पर आती है। इसके अलावा अगर आपने SSC का और भी कई एग्ज़ाम दिए हैं और आपको देखना है उसका एग्ज़ाम रिजल्ट कब जारी होगा, तो यहाँ पर दो इधर आपको लेफ्ट साइड में इधर नीचे आपको कॉर्नर में दिखाई दे रहा है एग्जामिनेशन कैलेंडर। आपको यहाँ पर क्लिक करके आप जो भी एग्ज़ाम दिए आपने उस एग्ज़ाम से संबंधित जो भी डेट्स हैं वो यहाँ पर लिखी होती है, आप चेक कर लेना। और इसके अलावा यहाँ पर दोस्तों, 24 अप्रैल की लेटेस्ट न्यूज़ मैंने जैसे आपको बताया है आंसर की वो यहाँ पर आई है। और यहाँ पर जो आंसर की है वो जारी कर दी गई है CISP एग्जामिनेशन 2018 की। और जो ये 2018 में GD के पदों पर, यानी CISP जनरल जो कॉन्स्टेबल है उसके पदों पर भर्ती निकली थी CISP के लिए, उसकी आंसर की जारी कर दी गई है। और आप इस पर क्लिक करके जो आंसर की है वो चेक कर सकते हैं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं, जरूर सब्सक्राइब करना और आपके नंबर कितने हैं वो भी ज़रूर भेजना। और जो इसके लिए ऑब्जेक्शन करने की डेट्स हैं वो मैं आपको अगले वीडियो के अंदर आपको बताऊंगा कि आप किस तरह से ऑब्जेक्शन कर सकते हैं। और अगर आपके जितने नंबर बन रहे हैं वो नंबर आप कमेंट में भेजना और आप देख भी लेना बाद में कि कितनी कट ऑफ जाएगी, वो मैं अगले वीडियो के अंदर बताऊंगा। और दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हैं, ज़रूर सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।